प्रधान। नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश आवाम की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको जनता से जुड़े मुद्दों से रूबरू कराते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि जनता की बात, उनकी समस्याएं शासन प्रशासन तक पहुंचे और उन पर अमल किया जाए। तो आज की खबर है सबसे पहले सागर जिले से। जी हाँ, यूं तो समाज के कमजोर पिछड़े गरीब वर्ग के व्यक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कई योजनाएं चला रही है, लेकिन शासन की योजनाएं जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ने लगती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिला है सागर जिले में, जहां एक गरीब परिवार सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता कहें या फिर जनप्रतिनिधियों की बेरुखी कि गरीब का हक और अधिकार महज कागजों तक ही सीमित रह गया। यह गरीब परिवार कई सालों से आवास की आस में ईंटों की दीवार के सहारे पन्नी नुमा छत बनाकर गुजर बसर कर रहा है। गरीब मजदूर वर्ग के इस परिवार में मुखिया के अलावा उसकी पत्नी, एक बेटा, दो बेटियां और बूढ़ी माँ रहती है। वहीं आसपास के रहवासी भी इस परिवार के हालातों का जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को ठहराया है और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते भी नजर आए। ऐसी रह रहे 2 दिन हम जा रहे वार्ड मेंबर से, कहा कोई सुनाई नहीं हमारी। हमारी लड़की इसी में गई है, ऐसे में डरी है। लॉकडाउन 3 महीने से तबीयत ठीक ना थी उसकी, और क्या उसको पी दिया बता दिया डॉक्टर ने। प्राइवेट हैसियत नहीं थी, सरकारी में ले गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं। खून की बाटले चढ़वाना, ये करना, डॉक्टर ने कहा जब तक तैयार की जब तक बच्ची ख़त्म हो गई। सिविल लाइन वार्ड का लास्ट छोर है ये मन्नू रेकवार है। इनको कम से 20-22 साल हो गए तरह, तो भाई आज तक की डेट में वोट के टाइम पे विधायक जी आएंगे, पार्षद भी आएंगे, उनके कार्यकर्ता भी आएंगे, इधर आने के फोटो खिंचवा के क्लिप बना के डाल देती हैं। बाकी अभी तक की डेट में इनको कोई फायदा नहीं मिला कोई। यहाँ तक कि कोरोना वो चलता रहा 3 महीना में मोहल्ला पड़ोस से मांग मांग के इनने भोजन किया है। विधायक जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ सहायता इसको नहीं मिली है। भैया ऐसी रह रहे 2 दिन हम जा रहे वार्ड मेंबर से, कहा कोई सुनाई नहीं हमारी। हमारी लड़की इसी में गई है, ऐसे में डरी है। लॉकडाउन 3 महीने से तबीयत ठीक ना थी उसकी, और क्या उसको पी दिया बता दिया डॉक्टर ने। प्राइवेट हैसियत नहीं थी, सरकारी में ले गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं। खून की बाटले चढ़वाना, ये करना, डॉक्टर ने कहा जब तक तैयार की जब तक बच्ची ख़त्म हो गई। सिविल लाइन वार्ड का लास्ट छोर है ये मन्नू रेकवार है। इनको कम से 20-22 साल हो गए तो रहे, तो भाई आज तक की डेट में वोट के टाइम पे विधायक जी आएंगे, पार्षद भी आएंगे, उनके कार्यकर्ता भी आएंगे, इधर आने के फोटो खिंचवा के क्लिप बना के डाल देती हैं। बाकी अभी तक की डेट में इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला कोई। यहाँ तक कि कोरोना वो चलता रहा 3 महीना में मोहल्ला पड़ोस से मांग मांग के इनने भोजन किया है। विधायक जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ सहायता इसको नहीं मिली। चलिए, तो ये सागर से आपको खबर बता रहे थे। आपने इन लोगों की समस्याएं सुनी, किस तरीके से जो है ये समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस आवास की आस में ये सालों से है लेकिन अभी तक उन्हें आवास नहीं मिला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से बताएं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार एक तरफ जो है योजनाएं चलाती है लेकिन उन योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है, गरीब दर दर भटकने को आज भी मजबूर है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर तो हम यही कह सकते हैं कि जो BLC योजना है, जो बहुत ही प्रधानमंत्री की मंशा है कि गरीबों को उनका आशियाना मिल सके, उस योजना का लाभ यहाँ सागर पर्वत में तो बिल्कुल भी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कई हितग्राही हैं जो अपने आवास के लिए परेशान हो रहे हैं किसी ना किसी कारण से, पर जो स्थानीय प्रशासन है जिसके पास ये जिम्मेदारी है वो उनको जो है इस योजना का लाभ मुहिम कराने में असफल साबित हो रहा है, जिसके चलते इस प्रकार के हालातों में यह गरीब जो है रहने को मजबूर है।
जी शैलेश जी, जिस तरीके से गरीब कई बार जनप्रतिनिधियों से वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कई बड़े अधिकारी भी वहाँ पहुँचते होंगे, कई सर्वे करने वाली टीमें भी पहुँचती होंगी, क्या इनकी समस्याओं को उन लोगों ने नहीं उठाया या इन लोगों ने अपनी समस्या को उनके सामने नहीं रखा? जहाँ तक इस मामले की बात की जाए तो पीड़ित का कहना है कि उसने जो है ये स्थानीय पार्षद से लेकर आला अधिकारी जनप्रतिनिधि तक अपनी समस्या को बताया है, लेकिन उनकी तरफ से केवल और केवल आश्वासन मिल रहा है। और मैदानी टीम भी जो इस मामले में सर्वे का काम करती है वो भी कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से जो है निष्पक्षता से नहीं करती है। शायद यही वजह है कि इस प्रकार के मामले जो है देखने मिलते हैं जहाँ वंचित लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, तो जिस तरीके से राशि तो इन लोगों को अलॉट की जाती होगी सरकार की तरफ से, क्या वो राशि ये जनप्रतिनिधि जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो गोलमोल कर देते हैं या वो राशि भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि पीएलसी के मामले में जो है यहाँ पर काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं। जो इसकी लिस्ट है वो जो है उसमें जो है फर्जी तरीके से नाम शामिल होने को चलकर जो है जांच चल रही है, जिसके कारण जो है अभी राशि को लेकर भी जो है जारी नहीं हो रही है, उसको लेकर को सामना करना पड़ रहा है। जी शैलेश जी, क्या सिर्फ ये एक परिवार है या ऐसे और भी कई परिवार हैं जिनको आज भी आवास की आस है? पर जिनको जो है इस प्रकार से जो है आवास का लाभ नहीं मिला है। इस परिवार की बात की जाए तो इसको तो ये जिस स्थान पर ये रह रहा है उसका पट्टा भी स्वीकृत हो गया था, बावजूद उसको जो है इस योजना में लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसको जो है आवास के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जी, और भी कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर जिनको इस आवास का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा, क्या उन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने की? जी, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है वीएलसी के मामले को लेकर जो है काफी बड़े स्तर पर जो है गड़बड़ी सामने आई है और इस मामले में यदि फरियादी या जो पात्र हितग्राही है वो अपनी आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जांच के नाम पर जो है प्रक्रिया लंबित है, इसको कहकर उनको जो है टाल दिया जा रहा है और यही कारण है कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है। और ऐसे मौसम में जहाँ इन दिनों भीषण बाढ़। जी शैलेश जी, बिल्कुल। और अब हमारे साथ दीप्ति जो रहवासी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। दीप्ति जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ दीदी, मिल रही आवाज। जी दीप्ति जी, जिस तरीके से हमने ये पूरा मामला हमारे सामने आया, एक परिवार पूरा जो है कई सालों से आवास के लिए तरस रहा है, हालांकि जहाँ एक तरफ सरकार जो है योजनाएं चलाती है लेकिन वो योजनाओं की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मतलब जिस तरीके से जो गरीब है कई सालों से चक्कर काट रहा है जनप्रतिनिधियों के, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं घोटाला भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आवास आज तक नहीं मिला है। जी, क्या कहना चाहेंगी आप इस पर? हमारा तो यही उद्देश्य है कि जैसे आज जो भी योजनाएं निकाली गई है प्रधानमंत्री ने, तो सबसे पहले महत्व ये होता है कि जो गरीबों को उनका माल मिलना चाहिए उनको मिले, और जिनके पास बिल्डिंगें हैं खड़ी हैं उनको गिरा गिरा के उनको बनाया जा रहा है, जो जिनको जरूरत है हकीकत में उनको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा दीप्ति जी कि जिस तरीके से जिन लोगों को जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उन तक ही योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। क्या वहाँ आप रहवासी हैं, वहाँ की जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका रवैया कैसा रहता है, क्या कुछ उनका कहना रहता है अगर कोई अपनी मांग लेकर उनके पास जाता है तो? देखो क्या रहता, मैंने तो अपनी तरफ से समाज सेवा के माध्यम से हमारे घर पे वो लोग आए, अति से ज्यादा दुखी थे, हम लोगों ने जितनी मदद बनी हमारे यहाँ के पड़ोसियों से लेकर सबने उसका पूरा सहयोग किया, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि आंख बंद करके काम करते हैं। जी, जो जरूरत है उनको नहीं दे रहा है, उनने बोल दिया अरे आएंगे फोटो खींचेंगे चल देंगे, ये नहीं होना चाहिए। हकीकत में उनको चाहिए है जो उनकी जरूरत है। आज प्रधानमंत्री का कार्ड भी रखे हैं, उनका पट्टा भी दिया गया, उनको सम्मान भी किया गया है, फिर उनका क्यों नहीं बनाया अभी तक आवाज? बिल्कुल दीप्ति जी, जिस तरीके से जो है आपने ये पूरा मामला बताया, आप भी क्या इन जनप्रतिनिधियों के पास पहुंची हैं समस्याएं लेकर, आपको उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है? नहीं, कोई जवाब नहीं मिलता है। मैं भी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी पार्टी की जिलाध्यक्ष हूँ, ठीक है, लेकिन जब मुझे कोई पावर नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूँगी? पावर नहीं, लेकिन एक मांग जो आपने कभी रखी हो और फिर उसके बाद उनकी हमेशा रखती हूँ, कभी कोई मांग पूरी नहीं होती है, जितना मुझ पर बनता है मैं अपने स्तर से करती हूँ। जवाब क्या दिया जाता है उनकी तरफ से आपको? जवाब
जवाब पेश होता है, हाँ ठीक है उनको ले आना, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा, ये चीजें रहती हैं। और बाहर से जब कोई टीम या कोई अधिकारी उच्च अधिकारी पहुंचते हैं, क्या उनसे बात नहीं हो पाई आपकी कभी, उनके सामने अपनी समस्या नहीं हो पाई? आवास योजना का जो उनको मकान अलाउ हुआ था 2.5 लाख रुपए MR में, जब उनका नाम जाता है नगर निगम में, वहाँ से लड़की का नाम काट दिया गया था, हम लोगों ने उसका नाम जुड़वाया समाज के माध्यम से, क्योंकि मैं सोशल वर्क के समाज की उसमें भी करती हूँ, तो मैं गरीबों का हद से ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। मैं पार्टी की बात अलग है, पर मैं विरोध नहीं करती अपनी पार्टी की, क्योंकि मैं उसकी जनप्रतिनिधि भी हूँ, उसमें जुड़ी हुई हूँ, तो मुझ पर जितना बनता है मैं उतना करती हूँ बात। जी शुक्रिया दीप्ति जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने सुना किस तरीके से एक गरीब परिवार जो पन्नी नुमा छत बनाकर रहने को मजबूर है, कई सालों से जो है जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, आवास की आस है, लेकिन आज भी वो आस सिर्फ आस बनकर रह गई और जनप्रतिनिधियों की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। किस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है ये साफ तौर पर जाहिर होता है, जहाँ एक तरफ सरकार तमाम योजनाएँ चला रही है लेकिन वो उन योजनाओं को जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल जो ये गरीब परिवार है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रहने को मजबूर है, कई सालों से भटक रहा है लेकिन आज तक इनको न्याय इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, आज भी ये दर दर भटकने को मजबूर है, आवास की आज भी आस है लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जिन जनप्रतिनिधियों पर जिन लोगों पर भरोसा करके ये पहुंचाते हैं उनको पदों तक, लेकिन वही अपने पद पर पहुंचने के बाद इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इन्हें दर दर भटकाते हैं, जहाँ सरकार योजनाएँ चलाती है लेकिन वो योजनाएँ इनको लाभ उन योजनाओं से गरीब परिवारों को नहीं मिल पाता। ये एक परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार हैं जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से जहां देश भर में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, तो वहीं स्थिति थोड़ी सामान्य होने के बाद अब मजदूरों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है, इसलिए लोग फिर महानगरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। पलायन की कुछ ऐसी ही तस्वीर पन्ना जिले से सामने आई है, जहां रोजगार न मिलने की वजह से एक बार फिर मजदूर शहरों की राह पकड़ चुके हैं। हालांकि सरकार मनरेगा और कई योजनाओं के जरिए मजदूरों को लाभ पहुँचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन पन्ना जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने में विफल साबित होता दिखाई दे रहा है। वहीं पलायन पर काम कर रहे समर्थन NGO संचालक राहुल निगम ने बताया कि प्रवासी मजदूरों में कई लोगों के पास अच्छा हुनर भी है, जिससे उनको उनके हिसाब से ज़िले में काम नहीं मिल पा रहा और मजदूरों को भी मनरेगा के तहत काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। तो वहीं मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव ने जिला पंचायत में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को पलायन का दोषी ठहराया। गाँव में हम यहाँ पे मिला नहीं हूँ, गरीब आदमी हम लोग, यहाँ पर करेंगे क्या? हम जा रहे हैं गाजियाबाद। अच्छा, काम करने। कई योजना शासन की चल रही हैं जिसमें आप लोगों के लिए घर में रहकर ही मजदूरी मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, अब 4 महीना है जैसे हमको आए बाहर से, यहाँ कोई काम ही नहीं है, 2-4 दिन में जाएंगे हम। शासन प्रशासन की योजनाएँ जो चलाई जा रही हैं कुछ नहीं मिलती भैया, यहाँ काम लग नहीं रहा है ना, कोई कहीं लग रहा तो जाएंगे अपना पेट तो पालेंगे। मैं से दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए जा रहे हैं? मजदूरी करने जा रहे हैं, काम है नहीं तो जा रहे हैं बाहर काम करने। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्या आपकी ग्राम पंचायत में कुछ कार्य हुए? 4 महीना हो गया कुछ कार्य हुए। जिस आशा से मजदूर वापस अपने गाँव लौटे थे और सरकार ने जो घोषणाएँ की थी मनरेगा से या अन्य माध्यमों से उन्हें रोजगार के अवसर देने के, आय सृजित करने के, शायद वो उतने कारगर नहीं हो पाए कि उनकी आय सुनिश्चित कर सके और मजदूर इसी रोजगार के अवसर को ढूंढने फिर महानगरों की ओर जा रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि जिला पंचायत CEO के तौर पर, जिला पंचायत CEO या अन्य अधिकारी जो मनरेगा के हैं, उनका रवैया उदासीन है और वो मुझे नहीं लगता किसी भी योजनाओं का को गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं तो अगर आज पलायन हो रहा है तो ये सरकार की जवाबदारी, प्रशासन की जवाबदारी, लोकल प्रशासन की, कि पलायन ना हो पाए।
चलिए, तो ये जो है पन्ना से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पलायन करने को मजदूर मजबूर हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जहां एक तरफ सरकार जो है मजदूरों के लिए तमाम तरह की योजनाएं, कई योजनाएं और मनरेगा योजना चला रही है, लेकिन फिर भी मजदूर आज पलायन को मजबूर हो गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं मजदूरों को और बेरोजगारों को रोजगार देने की, लेकिन इधर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। आप गुनौर बस स्टैंड की तस्वीरें टीवी स्क्रीन में देख सकती हैं किस तरीके से मजदूर पलायन करने को मजबूर है। अभी 2 से 3 माह पूर्व भी जो बड़े बड़े शहर से मजदूर वापस अपने गांव लौटे थे और इस आशा से लौटे थे कि सरकार द्वारा हमें स्थानीय स्तर पर कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वह 2-3 माह में ही विवश हो चुके हैं और भोजन के लिए लालायित हो चुके हैं और अब रोजगार की तलाश में फिर कोरोना महामारी के दौर में भी वो बड़े शहरों की ओर जाने को मजबूर हो गए हैं और पलायन करने लगे हैं। जी जी विनय, आखिर कारण क्या वहां पर नजर आता है? जिस तरीके से मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को काम दिया जा रहा है, सरकार ने मनरेगा योजना चलाई है, लेकिन फिर वहां क्या कारण है कि मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है? क्यों वहां के जनप्रतिनिधि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं कि मजबूर होकर मजदूर पलायन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें सीधे सीधे यदि देखा जाए तो शासन और प्रशासन की उदासीनता दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ग्राम पंचायतों की मनरेगा योजना की बात करी है तो विनय, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ तहसीलदार जो है राजेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। राजेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी अब आ रही है। जी राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। राजेश जी, जिस तरीके की समस्या जो है मजदूरों के लिए, कोरोना काल हालांकि खत्म नहीं हुआ है, सरकार तमाम तरह की योजनाएं मजदूरों के लिए चला रही है, मनरेगा योजना चला रही है, फिर क्यों मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है? अभी यहाँ पलायन की कोई जो है, जैसे हम मुख्यालय स्तर पर रहते हैं, विकास खंड स्तर, यही जनपद कार्यालय है, तहसील कार्यालय अनुभाग भी यही पर है, तो जो है कोई भी ऐसी पलायन की बात नहीं आई है हमारे संज्ञान में। और यदि किसी प्रकार की किसी स्रोत से बात आती है पलायन की, तो वो हमारे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर में अपने जो पत्रकार बंधु हैं जो भी जी, तो वो हमारे संज्ञान में ला सकते हैं। राजेश जी, आपके क्षेत्र की खबर है, फिर आपके संज्ञान में मामला क्यों नहीं है? एक बड़ी संख्या में मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं जबकि सरकार तमाम तरह की योजनाएं उनके लिए चला रही है, फिर उन योजनाओं का लाभ उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको यही काम दिया जा रहा है जो काम चाह रहे हैं। राजेश जी, फिर क्या मजदूर झूठ बोल रहे हैं? मजदूर झूठ बोल रहे हैं, क्यों वो पलायन करेंगे? आप खुद सोचिए, अभी कोरोना संकट काल खत्म नहीं हुआ है, जब शहरों से वो अपने गांव को आए थे इसी आस में आए थे कि अब वो यहीं रहेंगे और यहीं काम करेंगे, लेकिन अब फिर एक बार मजदूर मजबूर हो गए हैं। उनको पंचायत स्तर पर यही काम मिल रहा है और अभी हमारे संज्ञान में कोई भी जो है एक भी जो है अपने प्रवासी श्रमिक की बात नहीं आई है, और यदि है तो लिस्ट हमको बताई जाए, हम जो है दिखवाते हैं कौन को जो है काम क्यों नहीं मिला, के क्यों वो कर नहीं रहे हैं, काम क्या है वो हम जांच करा लेंगे, कोई भी सूची है किसी भी माध्यम से हमारे पास आ जाए। एक बात आप बताइए, जिस तरीके से आप ही के क्षेत्र की ये पूरा मामला है, फिर आपके संज्ञान में इस तरीके के मामले क्यों नहीं आते हैं? वो हो नहीं रहा ना, सबको यही काम मिल रहा है, पंचायतों में यही काम कर रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर जो है उसकी सूची तो हम उसकी सत्यता की जांच कर लें, क्योंकि हमारे संगे हम यही रहते हैं। जी अब तो आपके संज्ञान में ये मामला निर्देशित कर दिया जाए, जो भी आपकी जानकारी के स्रोत हैं उनको निर्देशित कर दिया जाए कि हम यही ऑफिस में बैठते हैं, वो हमारे संज्ञान में दूरभाष पे कर दें, व्हाट्सएप से पूरी मीडिया जुड़ी हुई है, तो हम जो है तत्परता से उनको देख लेंगे। हमारी ये अपेक्षा है कि कभी भी कोई है तो संज्ञान में लाया जाए, अच्छी बात है ये, तो आप निर्देशित करिएगा कि हमको बता दें हम। राजेश जी, जिस तरीके से अब आपके संज्ञान में मामला आ गया, हालांकि आप बोल भी रहे हैं कि ठीक है अब काम जो है आप संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ आश्वासन ही साबित होगी या बहुत जल्दी आप कोई ठोस कदम उठाएंगे ताकि जो मजदूर है हमारा, हमारा निवेदन ये कि थोड़ी जो आपके पास स्रोत जानकारी है उसको थोड़ी हमें जो है ग्राम पंचायत का नाम या कि श्रमिक का नाम, श्रमिक का नाम यदि नहीं
उपलब्ध हो सकता है तो फला ग्राम पंचायत का है, तो ये कोई जो है इंडिविजुअल हमको अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए, आपको अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए, इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात आई नहीं है जो आप तक पहुंची है, वो हमारे यहाँ तक नहीं आई है, ना हमको देखने को मिली है। तो ये तो कहीं ना कहीं आरपी की कमी रही होगी राजेश जी, मानते हैं आप इस बात को? चलो आपने जो बताया है तो हम अपने अपने स्रोत से भ्रमण करके भी देखते हैं। आपने जो बताया है कदम सर, कदम आप ही को उठाना पड़ेगा, आपके क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है, अगर आप वहाँ पर बैठे हैं, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। जी चलिए, बात नहीं आई है हम जी राजेश जी, चलिए शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब रविराज जी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविराज जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। जिस तरीके से ये पूरा मामला हमारे सामने आया, मजदूर पलायन कर रहे हैं, मजबूर हैं, जिस आस में वो अपने गांव की तरफ लौटे थे कि अब शहर को नहीं जाएंगे, अपने गांव में ही रहकर काम करेंगे, और सरकार जो है कई योजनाएं भी चला रही, लेकिन वो योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्या कारण? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे स्थानीय सांसद और माननीय मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, तीनों ही पूरी तरह से तन्मय से लगे हुए हैं कि शासन की जो योजनाएं हैं वो क्षेत्र तक पहुंचे, ग्रामीण जनों तक पहुंचे, लेकिन प्रशासन का रवैया बहुत उदासीन है। खास तौर से जिला पंचायत सीओ, जो पन्ना जिला पंचायत के सीओ हैं या अन्य मनरेगा का स्टाफ है या अधिकारी हैं, जो ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैं इस मामले में कई बार पत्राचार कर चुका हूँ और कई बार कह चुका हूँ कि काम नहीं चल रहा है, कितनी जगह मैं शिकायत कर चुका हूँ, पर रवैया वही है कि जिसकी शिकायत करो उससे पैसा लिया, उसको वहीं के वहीं निपटा दिया। जी जिस तरीके से आपने बताया कि जो मनरेगा का स्टाफ है, जो अधिकारी है, वो अपनी मनमानी पर उतारू हैं, इसके पीछे क्या कारण? क्या उनको बड़े अधिकारियों से संरक्षण मिल रहा है या फिर कोई राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है? राजनीतिक संरक्षण कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसान है, जैसी गरीब है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री दिन रात, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौथी बार इस प्रदेश की बागडोर सवारी, लगातार आप भी देख रहे हैं कि वो लगातार जनता की काम कर रहे हैं, लेकिन रवैया जिला पंचायत सीओ का खास तौर से इतना उदासीन है, जिसकी शिकायत मैं कई बार कर चुका हूँ सभी से, वो किसी भी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में ध्यान नहीं देते, सिर्फ कागजी कार्रवाई यहाँ पे जिला पंचायत के माध्यम से की जा रही हो, या वो कोरोना हो या वो पंचायतों के विकास के मामले में हो, सब कुछ लीपापोती यहाँ पे जिला पंचायत के माध्यम से चल रही है। जी रविराज जी, अभी हमने तहसीलदार राजेश मिश्रा से भी बात की थी, उनका कहना है कि उनके संज्ञान में तो ये मामला है ही नहीं, क्या उनके पास ये मामला कभी नहीं पहुंचा? कौन से मामला? मजदूरों के पलायन को लेकर हमने अब वो तहसीलदार के पास मामला पहुंचा नहीं पहुंचा मेरे विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, मनरेगा गुनौर जनपद पंचायत में एक पंचायत थी जिस जेसीबी चलने की मशीन के निशान सामने आए, जनपद सीओ उस मामले में निलंबित किए गए, लेकिन आज दिनांक तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सचिव को निलंबित किया गया, तत्काल बाहर चल बाहर। रविराज जी यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, जब हमने तहसीलदार से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, आप हम तक ये मामला पहुंचाएं, तो बिल्कुल मैं आपसे यही बोलूंगी, अब के जिस तरीके से आपने कहा कि आपको भी जानकारी नहीं उन तक मामला पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो आप उन तक जब मदद कर ही रहे हैं तो आप उन तक मामला पहुंचाएं, और जाहिर सी बात है जिन समस्याओं से मजदूर जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करवाएं। मैं निश्चित तौर पर इस मामले में अपने वरिष्ठ नेताओं से, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा, और मैं लगातार पत्राचार के माध्यम से भी लगातार सबके संपर्क में, एक पत्राचार में माननीय श्रीमान तहसीलदार महोदय को भी कर दूंगा। जी शुक्रिया रविराज जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो मजदूर हैं वो लगातार फिर से शहरों की तरफ एक बार रुख कर रहे हैं, क्योंकि जिस आस में वो अपने गांव की तरफ आए थे कि अब गांव में आकर काम करेंगे, गांव से अपने बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात फिर वही बन गए, एक बार फिर मजदूरों को शहर की ओर जाना पड़ रहा है, सरकार की जो योजनाएँ मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं वो उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं, अब चाहे वहाँ के जनप्रतिनिधि की गलती कही जाए या पूरा प्रशासनिक तंत्र, जिस तरीके से हर बार जो समस्याएँ आती हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी हैं वो इसमें दोषी पाए जाते हैं, और फिर वही एक बार नज़ारा यही दिख रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते मजदूर फिर एक बार परेशान हैं और फिर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। चलिए फिलहाल आवाम की आवाज़ में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ, नमस्कार।